इसराइल ने पहले ही ईरान को बता दिया था कि वो हमला करेगा और साथ में चेतावनी दे दी थी कि ईरान उस हमले का जवाब देने की गलती नहीं करे। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी कि वो हमले का जवाब नहीं दे वरना अमेरिका इसराइल के बचाव में सामने आएगा। ईरान को दोनों तरफ से धमकाया जा रहा है लेकिन ईरान ने भी तेवर दिखा दिए। ईरानी उपराष्ट्रपति ने ईरानी ताकत का दम भरा है, दुश्मन को कमजोर करने के इरादे दिखा दिए। ईरान को इस बार सऊदी अरब का साथ भी मिला है जिसने ईरान पर हमले को कानून का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इसराइल ने किसी को नहीं बख्शा, ईरान की ताकत पर जमकर प्रहार किया। इसराइल ने अमेरिका को जो कुछ बताया है, इसराइल के मुताबिक उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, पावर प्लांट को निशाना बनाया और ऑयल रिफाइनरी पर भी धावा बोला। कुल मिलाकर इसराइल ने कोई रियायत नहीं बरती ईरान को कमजोर बनाने में और दावा किया कि सारे हमलों को अंजाम देने के बाद उसके सारे विमान सुरक्षित लौट आए, लेकिन अब शायद बारी ईरान की है। खामेनेई बौखला गए हैं। पहले ही खामेनेई ने चेता दिया था कि इसराइल मिसाइल हमलों का जवाब देने की गलती न करे, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया और अब ईरान पलटवार कर सकता है, इसकी पूरी आशंका है। ईरान ने इसका संकेत भी दे दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने ट्वीट किया, ईरान की ताकत हमारे दुश्मन को नीचा दिखाएगी और कमजोर करेगी। अब ईरान के पास कोई चारा बचा भी नहीं है। इसराइल के साथ ईरान की जंग अब एक नए मोड़ पर है क्योंकि उसके एक एक करके सारे मोहरे पिटते जा रहे हैं। ईरान का मोहरा हमास पिट चुका है और कमजोर हो चुका है। ईरान का दूसरा मोहरा हिजबुल्ला पूरी तरह टूट चुका है, उसका मुखिया तक मारा जा चुका है। सीरिया से ईरान को खास मदद मिलती नहीं दिखती। ऐसे में ईरान के पास अब सीधे तौर पर जंग में उतरने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। 2 अक्टूबर का अटैक भी ईरान के लिए आखिरी रास्ते के तौर पर था क्योंकि उसे सीधे इसराइल से लोहा लेना था। ये भी तय है कि ये लड़ाई अब और बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चेता दिया है कि वो जवाबी वार करने की गलती न करे, क्योंकि ऐसी हालत में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। जनरल मेस्टर, हम क्या समझे, जो जिस बदले की बात इसराइल कर रहा था क्या वो पूरा हो गया है? क्योंकि इसराइल को समझते हुए जानते हुए सब तो यहां तक सोच रहे थे कि पता नहीं क्या तेल के ठिकानों पर हमला कर देगा, पता नहीं किस टॉप लीडरशिप को ना वाइप आउट करने की सोचे, तो ये जो जवाब है ये क्या पूरा जवाब था उसका? श्वेता बिल्कुल, ये जो जवाब है, ये जो अटैक हुआ है, देखिए एक ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्स रहा है, इतना कोई इस पे प्रभाव नहीं हुआ है। और नेतन्याहू का स्टेटेड एम शुरू से यही रहा है और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसराइल के। वो ये बोलते हैं कि मैं ईरान को किसी भी हालात में न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने दूंगा, ये उनका स्टेटेड एम है। तो ये तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो भी टारगेटिंग हुई है, इसराइली ने जितने हमले किए हैं, चाहे लेबनान में, चाहे गाजा में, ये हुती रिबेल्स के ऊपर, सीरिया में, इराक में, उनका टारगेट में प्रभाव बहुत दिखा है। आज सिर्फ 2 सैनिक मरे हैं, तो मेरे को लगता है ये काफी एक डी एस्केलेटरी और ये थोड़ा लॉजिकल तो रहा है, लेकिन इसमें शायद कुछ उनको हदबंदाएं हैं। कैसे? आप देखिए, अभी फिलहाल ब्लिंकन यहां पर थे और वो कतार को मिले हैं, कतार के प्राइम मिनिस्टर को भी मिले थे। वो तो थोड़ा एक डॉट्स करेक्ट होती है। एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कि क्या क्या टारगेट्स हैं, इतनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है। दूसरा, इसराइल ने जितने भी अभी तक टारगेटिंग की है उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेबनान में हमने देखा है। तो यहां ये प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो मेरे को लगता है ये कुछ ऐसा है कि एक फेस सेविंग डिवाइस शायद दोनों तरफ के लिए है, या एक एस्केप रूट दोनों तरफ के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेटेड रोल है वो एस्केलेशन नहीं चाहता, और इसराइल भी नहीं चाहता है, और ईरान भी नहीं चाहता है। हो सकता है कि ये जरूर बोल रहे हैं अभी ईरान की एस्केलेटरी होगा, रिटेलिएशन होगा, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग जरूर रहेगी, लेकिन ऑन ग्राउंड शायद हमला ईरान ना करे और ये सिचुएशन थोड़ा डिफ्यूज हो जाए। मेरे को एक वो वाला एंगल श्वेता ज्यादा दिख रहा है अभी। क्या
आप सहमत होंगे इस बात से, क्या हम समझें कि क्योंकि ये शांति के लिए बहुत जरूरी है, वरना एक वार दूसरा पलटवार, और ऐसा नहीं कि कोई देश कम सक्षम है। ठीक है, इसराइल के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए वो आयरन डोम था जरूर, लेकिन आखिरकार अगर शांति की बात हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने उस समय कोई कम कोई छोटा आक्रमण किया था इसराइल पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता। दो तीन चीजें कहूंगा मैं, कहूंगा कि जो अभी मेजर जनरल संजय मिस्टर ने कहा, काफी हद तक मैं उससे सहमत हूँ। एक दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा मैं। ये पहली बात तो जो अभी यूएसए के हालात है, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कौन प्रेसिडेंट आएंगे, ये तो इस समय पर चाहे ब्लिंकन कितना भी दौरा कर लें, अमेरिका कोई बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की हालात में नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिका ने जो वार्निंग दी थी, कहा था, प्रेशर बनाया था इसराइल के ऊपर, उसका कोई खास असर पड़ा होगा। मेरे ख्याल है असर पड़ा है, लेकिन और वजहों से ही। मैं समझता हूँ कि इसराइल भी देखता है कि इस बार जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट में आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने ईरान का साथ देते हुए इसराइल के जो हमलों को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया उसने, तो पहले जो है इसराइल को भरोसा था कि सऊदी अरेबिया धीरे धीरे करके साथ में आ रहा है, वो भी खिलाफ जा रहा है, तो उसको इसराइल भी नहीं चाहता है कि वहां पर अपने आप ही अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए कि एस्केलेशन ज्यादा हो। लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई भी हमला आएगा या उसकी प्रोसेस की तरफ से कोई भी हमला आएगा, जवाब उसको देना पड़ेगा। बट आई थिंक कि इसराइल ईरान और जो प्रोक्सीस के बीच में फर्क करता है। ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला कम, थोड़ा कम होगा क्योंकि वॉर नहीं चाहता है वो, लेकिन जो प्रोक्सीस है उनको वो पूरी तरह से पनिश करेगा ताकि ईरान का असर उसके ऊपर कम हो। दूसरी चीज ये है कि ईरान भी देख रहा है कि इसराइल का जो अटैक है इस बार वो इतना वो स्ट्रांग नहीं था, और ईरान भी जानता है कि अगर उसने एस्केलेट किया तो नुकसान उसको पहुंचेगा, तो ईरान भी ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहेगा। तो सब कुछ देखते हुए जो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ईरान हो सकता है फेस सेविंग फार्मूला है, ईरान भी नहीं चाहेगा कि दुनिया उसको कमजोर की तरह से देखे, तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, लेकिन बहुत हल्का फुल्का, ज्यादा ज्यादा नहीं जैसे पहले किया था, हल्का फुल्का करेगा और धीरे धीरे करके ये टेपर ऑफ हो जाएगा, एटलीस्ट जब तक कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट नए आ जाएं और वो मिडिल ईस्ट में अपना रोल प्रभावशाली तौर पर प्ले करने के काबिल हों, उस टाइम पर देखना होगा जी कि फिर क्या होता है, तब तक के लिए ऐसा ही है। डॉक्टर वाइलाबाद, ईरान के अंदर क्या इस समय रिएक्शन है इस पर, जो इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है, दो ऐसा बताया जा रहा है मिलिट्री पर्सनल की जान भी इसमें गई है, तो वहां पर क्या रिएक्शन है? अभी तक बिल्कुल जैसे रिएक्शन आ रहे वहां पर ये लोग कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं नुकसान, कुछ नहीं हुआ, ऑयल इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं हुआ, मतलब ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाले के जो सिविलियन यूज वो भी कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक उन्होंने वार्निंग भी दे दिया इसराइल के लिए, हमको आपके लिए रिटेलिएशन करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ईरान, अगर आप याद रखना, ईरान और इसराइल के अंदर है, इसराइल काफी प्रोवोकेशन में काम कर दिया था, काफी असासिनेशन भी किया था, काफी उन्होंने अटैक भी किया था, ये सीरिया के अंदर उनकी कौंसलेट जो तोड़ दिया था उसका डिप्लोमेट मारा था, फिर ईरान रिटालिएट भी किया, फिर दोबारा उन्होंने इस्माइल हनिया जो फलस्तीनियन लीडर है उन्होंने मार दिया था तहरान के अंदर है, तो ईरान का हक है उनके लिए रिप्लाई करना चाहता, लेकिन किसकी किसने दे दिया था इसराइल का हक है उन्होंने इंतकाम करना चाहिए किस चीज के बाद? दिस इज अ टोटल वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि अभी तक सारी दुनिया मालूम है किसने अटैक किया था और किसने किस चीज के लिए अटैक कर रहा है, या यूएन चार्टर से बात करना तो इसलिए ईरान का हक है हमारा रिस्पॉन्स करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो फिलहाल में जो सिनारियो चल रहा था, एक सबसे बड़ी बात है इसराइल में अभी तक उनकी कोऑपरेशन जीवन उनका ग्राउंड ऑपरेशन बंद कर दिया था क्योंकि उनका काफी नुकसान हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है ब्लिंकन आया था ईरान के लिए और ईरान का जीसीसी कंट्री बात किया था, उन्होंने सारे लोग जो अरब मुल्क कह रहे हमको अपना एयर स्पेस परमिशन नहीं देते ना अमेरिकन ना इसराइली की यूज करने रहे अटैकिंग ऑन ईरान, तो इसलिए ये थोड़ा से कूलिंग डाउन ऑफ द टेंशन हो रहा है। तो तीसरी बात ये है अभी तक मतलब किसी को इसी जगह में जीसीसी अमेरिका में वेस्टर्न कंट्री किसी को युद्ध नहीं मांग रहे, सिर्फ मिस्टर नेतन्याहू, क्योंकि उनकी जो इजरायली न्यूज़पेपर मारिफ में एक जर्नलिस्ट खुद लिखा है कह रहे नेतन्याहू पर्सनलाइजिंग ऑफ द वॉर, मतलब ये उनके लिए पॉपुलरिटी ज्यादा होता है,
उनकी अगले महीने दिसंबर में उसके लिए वो तो ट्रायल दी है इजरायली कोर्ट, उन्होंने पोस्टपोन करना चाहते, इसलिए जब तक युद्ध चल रहा था उनकी कुर्सी में बैठने के लिए। इसलिए ईरान में अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आनी चाहिए और अभी तक कोई मर्रा भी नहीं कह रहे, लेकिन आई थिंक दे आर वेरी पेशेंट और उनका सब्र पेशेंट स्ट्रेटेजिक पेशेंट रहेगा जब तक देखने के लिए कोई अमेरिकन राष्ट्रपति आ रहे और कौन आ रहे, उसी से बात हो सकता है रीजनल वॉर या शांति होना चाहिए। जनरल संजय सोई, आज इजराइल ने भी अपनी तरफ से हमला करते हुए बात यही कही थी कि बहुत दिनों से हम सात मोर्चों पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये आप कब एक देश पर आक्रमण कर रहे हैं और कब उस क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं जहां से आप कह रहे हैं कि कुछ प्रॉक्सीज हम पर अटैक कर रहे हैं, चाहे हम लेबनन का एग्जाम्पल देख लें या फिर ईरान को इसराइल के पलटवार की बात। और जैसा कि इस समय डॉक्टर अवाद भी कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू के लिए क्या एक पर्सनल मामला हो चुका था? नहीं देखिए, ऐसा है कि पर्सनल मामला तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एक इसराइल के सर्वाइवल का सवाल है। इसराइल के आईडीएफ ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि उनके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, और जो पहली अक्टूबर को हमला हुआ वो किसने किया हमला? वो ईरान ने नहीं किया, वो किसी किया, किसी और ने बाहर से आके किया। पहले भी जब अप्रैल में हमला हुआ था तभी भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सब बातें देखते हुए अगर इसराइल के पास पूरा अधिकार था, इस समय में बॉल इसराइल के कोर्ट में थी कि वो क्या करता है, किस प्रकार से जवाब देता है, और एक तरह से मेरे ख्याल से उनकी मजबूरी भी थी। अभी तो अमेरिका ने इनको काफी कंट्रोल किया हुआ था कि आप ऑयल रिफाइनरीज पे, ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ऑयल फैसिलिटीज पे हमला होता तो ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ जाती, पूरी दुनिया में पहली महंगाई आती और इलेक्शन पे फर्क पड़ जाता। दूसरी बात है न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर हमला करते रेडिएशन होता है, एक पूरी दुनिया में फिर से तबाही वाली बात आ जाती। तो यहां पर एक उन्होंने, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, एक लिमिटेड अटैक किया है, उनकी आर्मी बेसिस पर हमला किया है, एक तरह से ईरान की साख पर हमले करने की कोशिश की कि हम आपके अंदर आके 100 एयरक्राफ्ट हमारे आएंगे, हमला करेंगे और आपका एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाएगा, एयर डिफेंस को हम बर्बाद करेंगे और आपकी सेना की टुकड़ियों पर, उनके मिसाइल बेसिस पर, आपकी ड्रोन बेसिस पर, ड्रोन मिसाइल की फैक्ट्री पर, इस पर हम हमला करने में सक्षम है और दोबारा भी करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और एक बात इसराइल ने और कही है कि यहां भी हमले कर दिया, अभी हमने अब हम और नहीं करेंगे। ये बात जो उनके शब्द निकल के आ रहे हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, वो ये है कि अब बॉल ईरान के कोर्ट में है कि ईरान अभी क्या करता है। एक बात, ये बात सही है जो जनरल मिस्टर ने कही थी कि थोड़ा लिमिटेड अटैक है, फेस सेविंग वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल ने करना तो था कुछ ना कुछ। हालांकि इलेक्शंस के होते हुए शायद अभी ईरान के ऊपर भी प्रेशर डाला जाएगा कि आप ज्यादा रेस्पॉन्ड ना करें। ईरान का जो बयान आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ, दो सैनिक मरे हैं, तो यानी इसी वजह से ये लग रहा है कि क्या अभी आगे कुछ और हो सकता है। इसराइल और ईरान के बीच इस समय की जो परिस्थितियां हैं उस पर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है, बातचीत करें, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आपको हम बताते हैं। ईरान के सांसद अहमद अजाम ने कहा है कि हमारे पास आत्मरक्षा के सारे अधिकार हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ईरान पलटवार करेगा? उधर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टामर ने ईरान को आगाह किया है कि पलटवार करने से बचे, बदले का ख्याल दिमाग से निकाले। मिडल ईस्ट का संकट पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। ये सारी बातें ही थोड़ा सा और पसोपेश और तनाव की स्थिति पैदा कर रही है कि आगे क्या होगा, क्या यह इंतकाम अधूरा है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ईरान के ऊपर जो ये एक अटैक इसराइल की तरफ से हुआ आज सुबह सुबह, क्या ये पूरा हो गया है या फिर एक इंस्टॉलमेंट हम समझे इसराइल की फितरत को देखते हुए? देखिए श्वेता जी, इसराइल की जो मिलिट्री है या आईडीएफ, उसकी सराहना जो है दो बिंदुओं पर की जाती है, एक जिसे कहते हैं इनविंसिबिलिटी, अजेयता, और दूसरी उसकी स्वतंत्रता, कि क्या वो स्वतंत्र रूप से जो ईरान इसराइल के दुश्मन हैं उनसे लोहा लेने के लिए, मतलब क्या वो उसमें सक्षम है या नहीं। जो कल का जो हमला हुआ है, मेरी नजर में तो शायद दोनों चीजों पे प्रश्न होते। देखिए, पहले नेतन्याहू साहब ने कहा रिजीम थ्रेटनिंग स्ट्राइक पैकेज, उनके जो रक्षा मंत्री हैं गलांट, उन्होंने कहा था जॉ ड्रॉपिंग, वो सब तो पतंगबाजी निकली, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बड़ा मामूली सा हमला था, मध्यम दर्जे का, कंसिलिएटरी सा हमला। अब ऐसा क्यों हुआ?
मेरी समझ में एक तो ही आई थिंक इट इज अ वेरी यूएस रेगुलेटेड स्ट्राइक, तो जो अमेरिका का दबाव था इसराइल पर वो कामयाब हुआ। देखिए आप खबरें उड़ रही हैं कि करीब रात के 2 बजे साइप्रस से अमेरिकन रिफ्यूलर्स उड़े, तो मतलब ये है कि इसराइल के पास ये क्षमता थी नहीं कि बियॉन्ड 1000 किलोमीटर्स वो अपने बूते पर ये हमला कर सके। ऐसा लग रहा है कि जो पूरा टारगेटिंग अरे है उसका इंट है वो भी अमेरिका के सहायता या मदद से हुआ। स्टैंड ऑफ टारगेटिंग हुई है, ईरान ने सॉरी इसराइल ने ईरान के एयर स्पेस में, वो दाखिल नहीं हुए उनके जहाज, इराक के इलाके से उन्होंने ये स्टैंड ऑफ टारगेटिंग की है। और इसके कुछ कारण हैं, जो 1 अक्टूबर को जो ईरान ने हमला किया था उसके बाद काफी खबरें ऐसे उड़ी हैं, और जो हिजबुल्ला हमला कर रहे हैं अपने रॉकेट फोर्सेस का, कि जो उनका ईरान आयरन डोम सिस्टम है उसकी क्षमता में काफी गिरावट आई। पीपल सेड्स ओनली अबाउट 30% इफेक्टिव, इसलिए अमेरिका ने वो पूरा थार सिस्टम मूव किया करीब 100-200 सोल्जर्स के साथ। तो जो पहले जैसे जैसे मैंने कहा जो अजेयता थी, इनविंसिबिलिटी और स्वायत्तता थी कि इसराइल अपने बूते पर सबको वहां पर ठीक कर देगा, वो नहीं हुआ है। हाँ, जो मोहरे हैं ईरान के हिजबुल्ला और हमास, उन पर तो घातक हमले हुए हैं, पर ये जो ईरान पे हमला इसको मैं पूरी तरह से सफल नहीं बताऊं। एक और चीज भी समझने की जरूरत है, ईरान को भी रूस से काफी मदद मिली। S-400 सिस्टम्स, उनके जो जनरल शोइगु हैं वो 1-2 हफ्ते से वहां दौरा कर रहे हैं। ये बड़ी खबरें हैं कि रूस और ईरान के बीच एक सैन्य समझौता होने वाला है। तो अब मेरे समझ में ये जो लड़ाई है ये सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच में नहीं है, जैसे यूरोप में एक प्रॉक्सी वॉर हो रही है यूएस और रशिया के साथ, उसके कुछ रूप हमें यहां दिख रहे हैं। तो उस इसराइल में अपने बूते पर यह क्षमता नहीं है, हाँ मोहरों को ठीक कर सकती है, बट ईरान को उस प्रकार के घातक नुकसान पहुंचाए जैसे इसराइल नेतन्याहू साहब ने कहा था जी रिजीम थ्रेटनिंग। और इसलिए जब आई थिंक व्हेन ब्लिंकन ट्रेवल टू तेल अवीव और उन्होंने समझाया इसराइल को, तो इसराइल मान गया और इस वो घातक हमला नहीं हुआ है। पर ये जो दौर है हमला और पलटवार का बाकी ये ये बंद बंद हकीकत नहीं रहा हुआ। है कि अगर हम इन सभी क्षेत्रों में देखें, कहीं पर भी देखें दुनिया में, तो सिर्फ युद्ध नहीं होता है दो देशों की सेनाओं या फिर प्रॉक्सीज में ही अगर हम कह लें, वहां पर राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है। जब सात अक्टूबर का भी हमला जी एक चीज मैं जोड़ दूं, देयर इज अ लवली फ्रेज आई रेड इन वन ऑफ दीज आर्टिकल्स दैट दिस इज अ ग्रैंड मोमेंट फॉर ऑफ रैंपिंग इन द मिडल ईस्ट। उसका आप हिंदी अनुवाद कर दें, जी वाकई दोनों को एक मौका मिला है टू गेट ऑफ द रैम्प एंड टू गेट द कॉन्फ्लिक्ट डाउन। सही। और जनरल मेस्टन, 7 अक्टूबर को जब पिछले साल वो पूरा वाकया हुआ, उसके बाद से ये भी सबने देखा, मैं खुद वहां पर थी इसराइल में, और उस समय नेतन्याहू के विरुद्ध भी प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले जाते थे क्योंकि पॉलिटिकली उनको नहीं पसंद किया जा रहा था, उनके बेटे के भ्रष्टाचार में नाम आ रहे थे, वो सारी चीजें थी, उनके कई एक्शंस उस चीज पर निर्भर रहे। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के चुनाव के मद्देनजर हम समझें कि ये खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ यहां पर भी धीरे धीरे शांति आएगी। देखिए, मेरे को लगता है कि ये जो अभी ब्लिंकिन की जो विजिट थी इसराइल में, उसके बाद कतार में थी, इजिप्शियंस भी मिले हैं, मेरे को लगता है यहां पर अमेरिका का तो रोल बहुत बड़ा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कतार के क्यों मिले हैं, देखिए कतार एक मेडिएटर है जो इसराइल और ये खासकर अमेरिका और ईरान के बीच में वो मेडिएशन कर रहा है। तो जाहिर है कि ये जो हमला हुआ है, कतार ने शायद ऑलरेडी वार्निंग कर दिया होगा ईरान को, और ईरान को ये भी बोला होगा कि जब ये हमला होगा, क्योंकि ये फेस सेविंग डिवाइस में इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो इफेक्ट हुआ है टारगेट एंड पे इफेक्ट होना, वो आज देखिए इजरायली ये ईरान मीडिया बार बार बोल रही है कि कोई खास कुछ नहीं हुआ है, तो वो एक डिनाइबिलिटी उनको मिल गई है, उनके लिए भी फेस सेविंग वो हो गया है। कतार ने ये बोला है, और मेरे को लगता है ये हम तीनों पैनलिस्ट चारों पैनलिस्ट यही बोल रहे हैं, मेरे को भी लगता है एस्केलेशन नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स का अभी जहां तक रोल है, उन्होंने भी बहुत बड़ा ये विन फैक्टर अचीव कर लिया है इलेक्शंस के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से ये नवंबर से पहले मेरे ख्याल कोई एस्केलेशन नहीं चाहता था अमेरिका में, क्योंकि उसके परिणाम ये जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ते तो अमेरिका में तो उसका काफी प्रभाव होता, तो प्रेसिडेंट बुश ये बाइडेन का इस पे काफी जोर रहा है। तो मेरे को लगता है देखिए
अभी एक और चीज मेरे को लग रहा है शायद पॉसिबल है, कल काफी ऑप्टिमिज्म थी कतारी प्राइम मिनिस्टर और ब्लिंकन के बीच में, वो ऑप्टिमिज्म ये है कि गाजा में भी अभी आप देखिएगा कुछ होने वाला है, मेरे को लगता है होस्टेज रिलीज का भी एक चल रहा है काफी प्लान, वो शायद हो सकता है, क्योंकि बार बार स्टेटमेंट बाइडेन का भी और सबका भी है कि आपने हमास की लीडरशिप को खात्मा कर दिया है, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है तो आप क्यों नहीं अभी नेगोशिएशन करते हैं, तो वहां पर भी शायद लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये मिडिल ईस्ट में हो सकता है कि थोड़ा शांति का प्रभाव आ जाए, अमेरिका कतार वगैरह का इन्फ्लुएंस है और जितने भी देश है सऊदी अरेबिया है यूएई कोई नहीं चाहता वहां पर ये युद्ध बढ़े। जहां तक अमेरिकन इलेक्शंस का सवाल है ये जो एक और युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में मेरे को लगता है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा इफेक्ट इनको नहीं पर कर रहा इस युद्ध को लेकर आपको लग रहा है कि जनवरी फरवरी तक हाँ, मेरे को लगता है काफी मतलब स्लो हो जाएगा ये बताइए कि हाल फिलहाल हमने जो देखा जो तुर्की में टेरर अटैक देखा जिसके बाद वहां से भी उसका पलटवार करने की कोशिश की, बहुत अनस्टेबल सिचुएशन हर तरफ नजर आ रहा है और ऐसे में इसराइल की तरफ से ये एक उसकी क्षमता को देखते हुए हम एक टोकन पलटवार ही कहेंगे इसे। जी श्वेता क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में रह चुका हूं तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ये इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्क टर्की हो ईरान इराक बेबीलोनिया सऊदी अरेबिया इनको सबको एक अपनी जो हिस्ट्री है उसकी एक बड़ी अहम जानकारी होती है कि हमारा वजूद क्या रहा है ये, और अगर हम उस वजूद की बात करें मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे करके तुर्की पहले तुर्की बोला करते थे इसको तुर्की था ये जो उस टाइम पर युद्ध हुए मिडिल ईस्ट में उस टाइम पर तुर्की की जो फौजें थी वो सऊदी अरेबिया तक पहुंच गई थी ये। तो अब जो हो रहा है दो छोटी चीजें ऐसी कि जो बाउंड्रीज हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में उसका रिकन्फिगरेशन हो रहा है कि तुर्की इराक उसमें सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने जो ईरान का साथ दिया ऐसे ही नहीं दिया या इसराइल का जो साथ देने की कोशिश करते ऐसे नहीं दिया था, पैलेस्टाइन इज ए बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नाम है वहां पर उसका। तो ये सब जो है हम एक जो हिस्ट्री को दोबारा से वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं या दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ईरान का ईरान इसराइल का डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन इतना ज्यादा अहम नहीं रहेगा जितना कि मिडिल ईस्ट का जो कन्फ्रंटेशन है उसमें चाहे आप जो हाउथी ग्रुप को देख लीजिए हमास को देख लीजिए ईरान साथ देता रखा है, ईरान के बड़ी एस्पिरेशन है यहाँ पर आने के लिए, ईरान के जो खलीफा रहे हैं वो भी यहाँ पर इजिप्ट तक पहुंच गए थे ये। तो ये सब जो है हो रहा है कि पुराना खेल दोबारा शुरू हो रहा है और मैं समझता हूं कि जनवरी फरवरी में सहमत हूं लेकिन उसमें क्या हम यही चीज देखेंगे या कोई और नया एंगल आएगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर अवाद क्या मैं आपसे पर्सनली जानना चाहती हूं क्या आप इसराइल की तरफ से एक उसने कहा था ना कि हम रिवेंज लेंगे और अपने टाइम और समय जो जगह होगी वो हमारी चूजिंग की होगी, बड़ी बातें की गई थी, उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये जो अभी उसकी तरफ से किया गया है ये किस वजह से ऐसा हमला है जहां पर पूरी दुनिया में बहुत एनालिसिस हो रहा था कि किस जगह को वो निशाना बना सकता है, पर्सनली आपको लगता है कि उसका ये रिवेंज है या आपको लगता है इसके आगे वो कुछ कर सकता है? और रिवेंज की बात नहीं है, ये तो हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट। आप जरा से देख लो राष्ट्रपति यूएस राष्ट्रपति बाइडेन में या प्रधानमंत्री का यूके में और सबको कह रहे इसराइली हक में ईरान अटैक करना चाहिए, लेकिन अभी जब तक अटैक कर चुका है और सबको कह रहे ईरान के लिए कंट्रोल योर सेल्फ, ये मेरे को समझ भी नहीं आया ये किसने अग्रेसर है किसने मतलब विक्टिम है, ये तो दुनिया में है सारी दुनिया मालूम हो गया ये दिस इज द स्पॉइल्ड बॉय ऑफ द वेस्ट। इसराइल में जब तक उनकी फ्री हैंड मिल रहा था हमास के अंदर है आप समझते हो आप लोग कह रहे इसराइल हमास इसराइल का इसराइल हिजबुल्ला ये श्वेता इट इज नॉट अगेंस्ट हिजबुल्ला और नॉट अगेंस्ट हमास। इसराइल का एम्बिशन है फ्रॉम यूफ्रेट्स टू नाइल यानी मकसद है सीरिया जॉर्डन लिबनान फलस्तीन वन थर्ड ऑफ सऊदी अरेबिया इराक भी है
सीना पेनिनसुला है, उनकी जब तक उनकी फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे दिस इज हमारे बॉर्डर है, और एक और अलावा भी किया था इस्तांबुल कैपिटल ऑफ इजराइल। आप देख लो दिमाग में ये लोग है कहां जाएंगे। इसलिए हमको अभी तक 40 मिनट हो गया था, किसी को बोला भी नहीं कितना लोग मर गया था ये गाजा के अंदर, कितना लोग मर गया लेबनन के अंदर है। मतलब आप देख लो जब सबसे बड़ी है खबर ये कम से कम 45,000 लोग मर गया 70% बच्चों के लिए गाजा के अंदर, 2,500 के लेबनीज वाले मार दिया था, 12,000 तो वाले के लोग इंजर्ड हो गए। अभी तक उन्होंने सीरिया भी अटैक किया था कल रात को, और ईरान भी अटैक भी कर दिया था, और सारी दुनिया कह रहे सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने याद आ गया था ये तो गाजा स्ट्रिप का शुरू हो गया था, जब तक इजरायली वाले का लोग नुकसान हो गया। लेकिन अब तक 75 साल के पहले किसी को बात नहीं कर रहा है ये हमारा फलस्तीनी, कितनी बार उन्होंने 5 दफा कर चुका है गाजा स्ट्रिप इन्वेट किया था इजरायली में, और कोई लोग कहते नहीं कुछ। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे अगर हम लोग दोस्त सोल्यूशन होना चाहिए, अगर इजराइल शांति मांग रहे तो इम्प्लीमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। एक कहानी जनरल बेसन नेतन्याहू को भी अपनी जनता को जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं कि हमास को खत्म करना था, उसे ऑब्जेक्टिव तो ये भी था ना कि वो 101 जो हॉस्टेजेस बचे हुए हैं वो वापस आने चाहिए इजराइल। इनफैक्ट एब्सोल्युटली, क्योंकि ये होस्टेज जनरल सोए होस्टेज का सवाल तो बहुत अहम है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है जैसे कि पहले बाकी स्पीकर ने बताया कि हमास की कमर तोड़ दी गई है, हिजबुल्ला को भी काफी नुकसान पहुंचा दिया गया, हालांकि हिजबुल्ला अभी भी फायर कर रहा है, काफी मिलिट्री बेस पर हमला किया, नेतन्याहू के घर पर हमला किया सक्षम है, लेकिन एक काफी हद तक उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया है। तो अभी जो बातचीत चल रही है, ये जो टोकन अटैक हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेस सेविंग बात है, क्या ये एक युद्ध को कम करने की बात है या फिर इसराइल ईरान के साथ डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाह रहे, क्योंकि ईरान एक देश है और बाकी प्रॉक्सीज हैं, आतंकवादी ग्रुप है, हमास है, हिजबुल्ला है, हुथी है, इनको के ऊपर जो हमले होते हैं वो अलग तरह से हमले हो रहे हैं, और ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है, जिस प्रकार से एक लाइट एक मैसेज वाली बात है कि हम आ सकते हैं हमला कर सकते हैं लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, और ईरान भी कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, दोस्त हमारे सोल्जर मारे गए तो वहां भी चाहे मारे गए ज्यादा हो लेकिन मीडिया पूरा उनके कंट्रोल में, टीवी चैनल उनके कंट्रोल में, हमारे जैसे तो है नहीं जैसे आप और हम खुल के बात करते हैं, तो वहां पर ईरान फेस सेविंग कर रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, इसराइल कह रहे हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, ईरान कह रहा है कि हमने पहले जो हमला किया था इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था 1 अक्टूबर को। तो ईरान के अंदर जो पॉलिटिकली मैसेजिंग है कि ये हम लोग बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि अब जो हमने देखा है क्या ये इस युद्ध का अंत है या फिर उसके आसपास भी कुछ नहीं।